अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर का गजरेला, जो गाजरों से बनेगा और दूध से बनेगा। उसके लिए मैंने 1 किलो के करीब गाजरें ली हैं, जिसे मैंने कद्दूकस अच्छी तरह धोके तो कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद मेरे पास देसी घी है 2 टेबल स्पून के करीब, अगर आप दूसरा लेना चाहते हैं तो दूसरा भी ले सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है 50 ग्राम के करीब बादाम है, जिसे मैं अभी भिगो के तो इसके छिड़के उतार के बारीक बारीक काट लूंगी। उसके बाद मेरे पास चावल है, आप बाजार से चावल छोटा छोटा भी मिलता है, जिसे टोटे के नाम से जाना जाता है, आप वो लेना चाहें वो ले सकते हैं, और अगर दूसरा बड़ा वाला चावल बासमती लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। उसके बाद मेरे पास 1.5 कप के करीब चीनी है, साथ में मेरे पास दूध है जिसे मैंने बॉयल कर लिया है। ये मेरे पास 8 किलो के करीब दूध है, इसको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। अब बॉयल करने के बाद इसको उबाला आ चुका है, तो अब इसे आँच हल्की कर दी है। अब सबसे पहले तो हम जो गाजरों को भूनेंगे देसी घी में, और उसको फिर हम दूध में डाल देंगे। जी एक कढ़ाई ली है, अलग से मैंने ले लिया, और इसमें जाएंगी गाजरें। इसको हम देसी घी में भून लेंगे थोड़ा सा, 5 से 10 मिनट के लिए। इसमें जाएगा घी जो मैंने लिया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसकी भुनाई का 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, उसको भून के तो फिर मैं इसको दिखाती हूँ उसकी फाइनल लुक। जी तो ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मुझे अच्छी तरह से, इसकी मैंने भुनाई कर ली है। अब इसे मैं दूध में डाल दूँगी। ये अब दूध में जा रहा है बिस्मिल्लाह। साथ ही मैंने भिगो के रखे थे चावल, उसको मैंने हल्का सा बॉयल कर लिया। जल्दी के लिए कि टाइम अगर आपके पास कम है तो आप में डाल सकते हैं बॉइल्ड दूध, चावल डाल सकते हैं। मैंने उसको 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था, और फिर अब उसको मैंने जो है ना हल्के से पानी में 2-3 बॉइल्ड उबाल दिए हैं, वो भी इसमें जाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए मैंने बॉइल कर लिए थे चावल, कि टाइम कम था तो मैंने इसको बॉइल कर लिया। आप भी अगर टाइम कम है तो आप इस तरह बॉइल कर लें चावल। जी अब ये जाएगा, ये मेरे पास 1 कप था, और ये देखें 1 कप से ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। इससे ये होगा कि हमारे दम गजरेला जल्दी पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। जी अब ये मैंने डाल दी है, अब इसको हम 2 से 3 घंटे तक पकाएंगे, जब तक ये इसकी दूध कम नहीं हो जाता और गजरेला हमारा पक नहीं जाता। ये तकरीबन आपकी आँच पर डिपेंड करता है, अगर आँच आपकी तेज़ है तो 2 से 3 घंटे तक लग ही जाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं इसको पकते हुए, और ये गाढ़ा हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, अब इसी टाइम पे जाएगी चीनी। चीनी हम थोड़ी थोड़ी डाल के चेक करते जाएंगे कि हमें कितनी रिक्वायर्ड है। जो ज़्यादा तेज़ खाते हैं वो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखें गाढ़ा हो चुका है। अब इसी में जाएंगे बादाम, थोड़े से मैंने बारीक बारीक काट लिए इस तरह, थोड़े से मैं इसमें डाल दूँगी इस टाइम, और थोड़े गार्निश के लिए इस तरह। अच्छा, इसको बस 15 से 20 मिनट रह गए हैं, ये यकजान हो जाए हर चीज़, दोनों चीज़ें तीनों, चावल भी और गाजरें भी। बस करते हैं, और नीचे से ध्यान रखिएगा जब ये गाढ़ा होना शुरू हो तो फिर इसको बस चम्मच नहीं छोड़ना आपने। ठीक है जी, क्योंकि ये नीचे लगने का खतरा होता है। पहले तो आप 1 घंटा छोड़ सकते हैं, जब दूध बिल्कुल हमारा फ्रेश दूध होता है वो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जब वो गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो फिर उसको साथ साथ हमने चम्मच चलाते जाना है। जी अब ये थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा से दिखाती हूँ इसको। जी तो ये गजरेला पक चुका है, ये मेरे ख्याल से तकरीबन मेरे से 3 से 4 घंटे हुए इसको पकाते हुए। अच्छा, इसने अब छींटे शुरू कर दी हैं, इसके ना बुलबुले निकल रहे हैं गजरेले से। ठीक है, अब ये जब ये निकलना शुरू हो तो आपने तब 15 मिनट लगाने इसको मजीद। ठीक है, हमारे 15 मिनट मजीद हो चुके हैं, अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये मैंने गार्निश कर दिए हैं बादामों के साथ, अगर आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट है, पिस्ता है, तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, चांदी के वर्क के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप, और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।